हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में सामाजिक विज्ञान भूगोल की कार्यपत्रक 15 देखेंगे, जो कि 10 अगस्त की है। प्यारे बच्चों, इसमें हम संसाधनों का वर्गीकरण देखेंगे, बट इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं क्लास को। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभावी और सांस्कृतिक रूप से माननीय है, एक संसाधन है। संसाधन क्या है? हमारे आसपास की वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, जैसे जो प्रौद्योगिकी रूप से उपलब्ध हैं, आर्थिक रूप से संभावी हैं और सांस्कृतिक रूप से मानवीय हैं, माननीय हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं तथा उनका प्रयोग करते हैं। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर दो होते हैं, जैव और अजैव। जैव वो जो जिंदा होते हैं, लिविंग होते हैं, अजैव वो जो मृतक होते हैं। समाप्तता के आधार पर नवीकरण योग, अनवीकरणीय योग, यानी कि समाप्त हो सकते हैं। नवीकरणीय उनको आप नया बना सकते हैं, अनवीकरणीय आप उनको नया नहीं बना सकते हैं। स्वामित्व के आधार पर, जैसे उस पर अपना अधिकार हो, किसी पर्सनल का तो व्यक्तिगत हो जाएगा, पूरे ग्रुप का हो, समुदाय का हो, कम्युनिटी का हो तो सामुदायिक हो जाएगा, किसी राष्ट्र का हो तो राष्ट्रीय और राष्ट्र के बाहर का हो तो अंतर्राष्ट्रीय। विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित भंडार और संचित कोष, इस तरीके से इनको डिवाइड कर दिया जाता है। संसाधन को दो भागों में बांटते हैं, एक है प्राकृतिक और दूसरा है मानवीय। प्राकृतिक दो तरीके का होता है, जो नवीकरणीय है, अनवीकरणीय। कौन सी चीज़ें हैं जो नवीन हो सकती हैं, फिर से बनाई जा सकती हैं? पवन, जल। प्राकृतिक वनस्पति जो जैव है, वो है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। जैव का मतलब जीवित चीज़ें। जीवित चीज़ें क्या हो सकती हैं? पेड़ पौधे हो सकती हैं, जीव जंतु हो सकते हैं। इसी तरीके से अनवीकरणीय योग्य की बात करें तो जैसे कुछ इसमें होते हैं पुनः चक्रिय, जैसे धातु, उसको हम फिर से चक्रिय कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। अचक्रिय जैसे जीवाश्म ईंधन, फिर से रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। मानवीय में संरचना एवं संस्थाएं होती हैं, मात्रा एवं गुणवत्ता टाइप की होती हैं संसाधन। क्वेश्चन दिया हुआ, किन्हीं दो प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए। आपके अनुसार सबसे मूल्यवान संसाधन क्या है? किन्हीं दो नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण दीजिए। वन्य जीव को संसाधन के रूप में क्यों माना जाता है? प्यारे बच्चों, आंसर्स मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसको समझकर नोट कर लें। किन्हीं दो प्राकृतिक संसाधनों के नाम है? हवा, पौधे, जल, मिट्टी, कोयला। ठीक है, आप कुछ भी नोट कर सकते हैं, एनी टू। आपके अनुसार सबसे मूल्यवान संसाधन क्या है और क्यों? हमारे अनुसार सबसे मूल्यवान संसाधन मानव है, क्योंकि मानव ही संसाधन को बनाता है और उसका उपयोग भी करता है। किन्हीं दो नवीकरणीय संसाधनों का उदाहरण दीजिए। भूमि ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ये क्या है? इसको भूमि की जगह भूमंडलीय कर लीजिए, क्या हो जाएगा? ये भूमंडलीय ऊर्जा। और सौर ऊर्जा जो है वो क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। वन्य जीव को संसाधन के रूप में क्यों माना जाता है? वन्य एवं वन्य प्राणी मानव जीवन के प्रमुख हमसफर हैं। वन्य पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच जैसे है, वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, जल जिसे हम पीते हैं, मृदा जो अनाज पैदा करती है जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, पौधे, पशु और सभी सूक्ष्मजीवी इनका पुनः सृजन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर नोट कर लेना है। कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बट प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।